इसराइल और हमास के बीच का विवाद अभी थमा भी नहीं कि रूस ने इसराइल को भड़काने की कोशिश कर डाली है। दरअसल रूसी न्यूज एजेंसी रशियन टुडे की ओर से जारी एक वीडियो में रूसी सैनिक गोलन हाइट्स के पास देखे गए हैं। रूसी सेना की हालिया दखलंदाजी मिडिल ईस्ट में आग भड़काने का काम कर सकती है, जहां पहले ही इसराइल का अरब देशों खासकर ईरान के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। वहीं रूस की मौजूदगी ने आग में घी का काम कर डाला है। मालूम हो कि ये पहला मौका नहीं है जब रूस ने इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की। गाजा में हुई इजरायली बमबारी का भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जमकर विरोध किया था। पुतिन ने इजरायली कार्रवाई को नरसंहार करार दिया था, मगर रूस की हालिया कार्रवाई इजरायल की सीरिया में बढ़ती हलचल के बाद दिख रही है। हाल ही में इजरायल ने सीरिया के दशमिक एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी कर भड़काऊ कदम उठाया था, जिसकी रूस ने कड़ी शब्दों में निंदा की थी। वीडियो में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी सेना इजरायल को सख्त संदेश देने के मूड में है। वीडियो में गोलन हाइट्स, रूसी फ्लैग और रूसी सैनिक मोर्चे पर तैनात दिख रहे हैं। रूस ने वीडियो के जरिए इसराइल पर आक्रामक रुख अख्तियार कर संदेश दिया है कि वो किसी भी पल मौजूदा जंग में कूद सकता है, वो आसानी से इजरायली सीमा तक पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि रूस इसराइल के जरिए अमेरिका को ललकार रहा है। मालूम हो कि गोलन हाइट्स एक पहाड़ी इलाका है जो कभी सीरिया का हुआ करता था, लेकिन पिछले 54 सालों से ये इसराइल के कब्जे में है, जिसे इसराइल ने अपने सबसे चर्चित युद्ध सिक्स डे वॉर में सीरिया से छीना था। गोलन हाइट्स से सीरिया की राजधानी दमिश्क महज 60 किलोमीटर दूर है। ये पहाड़ी इलाका सीरिया से इसराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम भी करता है। बता दें कि 1967 में कब्जाए गोलन हाइट्स को साल 1981 में इसराइल में मिलाने की एक तरफा घोषणा को आज तक यूएन ने मान्यता नहीं दी है। हाल में इसराइल से गोलन हाइट्स का कब्जा छुड़ाने के लिए यूएन में हुई वोटिंग में रूस, चीन और भारत समेत 91 देशों ने इसका समर्थन किया। वहीं अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 8 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 62 देश इस वोटिंग में एब्सेंट रहे।